मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं। ये है कि 2 सहेलियाँ हैं मेरी, वो बस कुछ ना कुछ दे जाती हैं, मदद करती हैं, तो उसी में थोड़ा बहुत हो जाते हैं गुजारा। काम की तलाश करती हूँ, कहीं काम भी नहीं मिलता, 2-3 दिन मिलता है फिर मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। मेरी गाय जी की मुझे कोई काम मिले, मैं कोई काम करूँ, जॉब हो, मुझे सिलाई आती है लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है। घर का गुजारा इतनी मुश्किल से होता है, मैं घर नहीं बना सकी, छत भी नहीं बनवा सकी अपनी, राशन पानी इतना मुश्किल से हो रहा है। महंगाई इतनी है कि गैस और बिजली के बिल ही भरते हैं हम, बच्चों के पेट पालने के लिए बहुत मुश्किल होती है। मुझे कोई काम मिल सकता है तो मुझे सिलाई आती है, जैसे कोई मशीन मिल सकती है या कोई काम की जॉब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खवातीन हज़रात, आज हम एक विलेज में अपनी इस बेवा सिस्टर के पास मौजूद हैं। देख सकते हैं हमारी इस बेवा सिस्टर के 4 बच्चे हैं। इनके हस्बैंड को 6 साल हो चुके हैं, वह दारे फानी से कूच कर गए हैं। उनका नाम मोहम्मद इजाज़ था। अल्लाह पाक उनको जन्नत अल-फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सिस्टर जान नहायत परेशान है क्योंकि इनके मासूम छोटे छोटे देख सकते हैं बच्चे हैं, तो अगर इनका कोई कमाने वाला होता तो ये सिस्टर जान आज इतनी ज़्यादा परेशान ना होती। बेचारे बता रही थी कि अल्लाह तरसी करके हमें कुछ लोग देते हैं तो जिससे हम घर का निज़ाम चला रहे हैं, घर का गुजर बसर कर रहे हैं। इनके मकान की भी आप कंडीशन देख सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है। इस वजह से भी हमारी सिस्टर नहायत परेशान है, अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। तो इन्हीं से पूछते हैं कि वो हालात ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। जैसे कि माह मुकद्दस चल रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली हकदार होती हैं। कोशिश किया करें कि सबसे पहले वेरीफाई कर लिया करें ऐसी फैमिलियों का जो कि सही माने में हकदार होते हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि वो हालात ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या नाम है आपका? शमसा। भाई सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं? हाँ जी, 3 बेटियाँ और 1 ही बेटा है। 1 ही बेटा है? हाँ जी। तो आप ये बताएं कि आपके हस्बैंड को कितना अर्सा हो गया उनके डेथ को? 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गए जी। उनको क्या हुआ था? वो छत से गिरे थे। छत से गिरे थे? छत से गिरे थे। वो मजदूरी करते थे जी। अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए। तो मेरी बहन क्या काम करती हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है घर का? बहुत मुश्किल से होता है, मैं काम कोई नहीं करती हूँ, बीमार रहती हूँ, काम कर भी नहीं सकती हूँ। मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं। ये है कि 2 सहेलियाँ हैं मेरी, वो बस कुछ ना कुछ दे जाती हैं, मदद करती हैं, तो उसी में थोड़ा बहुत हो जाते हैं गुजारा। काम की तलाश करती हूँ, कहीं काम भी नहीं मिलता, 2-3 दिन मिलता है फिर मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। तो मेरी बहन कोई कमाने वाला नहीं है आपका? नहीं, यही बेटा है मेरा। अल्लाह पाक मेरी बहन आसानी फरमाए। तो मेरी बहन कुछ आप कोला तरसी करके बता रहे हैं कि लोग देते हैं तो घर का निज़ाम से इसे चल जाता है? नहीं चलता, बहुत मुश्किल से चलता है, वो गैस और बिजली के बिल में चला जाता है जी। बिल्कुल। तो मेरी बहन क्या ख्वाहिश है अब आपकी? मेरी गाय जी की मुझे कोई काम मिले, मैं कोई काम करूँ, जॉब हो, मुझे सिलाई आती है लेकिन मेरे पास मशीन नहीं है। सिलाई मशीन चलानी आती है? जी चलानी आती है लेकिन मशीन नहीं है, घर में मौजूद नहीं है जी। अभी ये बताएं कि इलाके वाले आपकी इमदाद नहीं करते? नहीं, कोई नहीं करता, फैमिली वाले हैं वो भी नहीं करते। पिछली बार से मेरे कमरे की छत गिर गई थी, दूसरा कमरा है उसकी छत भी ऐसे गिरने वाली हो रही है, कोई इमदाद करने वाला नहीं है। घर का गुजारा इतनी मुश्किल से होता है, मैं घर नहीं बना सकी, छत भी नहीं बनवा सकी अपनी, राशन पानी इतना मुश्किल से हो रहा है। महंगाई इतनी है कि गैस और बिजली के बिल ही भरते हैं हम, बच्चों के पेट पालने के लिए बहुत मुश्किल होती है। मुझे कोई काम मिल सकता है तो मुझे सिलाई आती है, जैसे कोई मशीन मिल सकती है या कोई काम की जॉब। अल्लाह पाक मेरी बहन आसानियाँ फरमाए। सिस्टर जान नहायत परेशान है, बेचारे रो रहे हैं। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। यकीन करें ये हकदार फैमिली है आपके हर किस्म के फंड का जो कि आप गरीबों के लिए भेजते हैं,
और इनके कमरे की भी आप कंडीशन देख सकते हैं कि बेचारों का कमरा भी टूटा हुआ है। सिस्टर जान का बताना था कि पिछले साल इसकी छत गिर गई थी। मासूम छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, अल्लाह पाक इनकी आसानी फरमाए। अभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या नाम है? अभी आप ये बताएं कि अबू की याद आती है जी। तो आप पढ़ रही हैं? स्कूल में पढ़ती हैं या मदरसे में? स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल में कौन सी जमात पढ़ रही हैं? तो मदरसे में कौन सा सिपारा पढ़ रही हैं? आखिरी सिपारा। माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरी बहन आपके नसीब अच्छे करें, यकीन करें हकदार फैमिली है आपकी हर किस्म की फंड का। अल्लाह पाक इस फैमिली की जो मुश्किल हैं आसान फरमाए, और हमने इन तक अप्रोच किया एज अ जस्ट, हम इनका वसीला बने हैं। अल्लाह पाक इनके लिए और भी आसानियाँ फरमाए। जिस तरह के देख सकते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा है, गरीब का पेट पालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बन चुका है। तो हमारी सिस्टर की ख्वाहिश है कि अगर हमें स्प्रे मशीन दी जाए, और हैंड पंप का भी बताना था कि अगर हैंड पंप दिए जाए या हमें एक अदद मकान बनवा कर दिया जाए, कि वो देख सकते हैं खस्ता हालत में मकान है। पिछले साल भी इसी मकान की छत गिर गई थी, तो अब भी इसका खदशा है गिरने का। कितना नाजुक हालात में है कमरा। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए, और अल्लाह पाक इस रमज़ान करीम के अंदर जितना भी हो सके आपसे इस हमारे सिस्टर की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करें। अगर इनको ये कारोबार एक बिज़नेस दिया जाता है तो ये आसानी से घर में बैठकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका जो आईडी कार्ड है वो इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप अल्लाह की रज़ा की खातिर अगर इन्हें कुछ देना चाहें तो ज़रूर दे सकते हैं। दुआ के अल्लाह सुबहाना व तआला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अज़ीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।